बताना कमेंट सेक्शन में, लग रहा है कि नहीं लग रहा, सही में यहाँ का लग रहा है भाई, ये तो नेपाल का ही। अभी एक भैया आए हैं इंडिया से और ट्रेवल कर रहे हैं भाई साहब साइकिल पे, सोचो 1200 किलोमीटर कर चुका है इस ट्रिप पे, और हर्ट के भी पेशेंट है भैया, जब भी सोचो साइकिलिंग। अपने सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब नेपाल में भी अपना पैनियर्स निकले हुए ना बाइक के साइड से, अब वो रात को गलती से किसी को दिखे नहीं और टपली बजा के चला गया पैनियर में तो दिक्कत हो जाएगी। लो जी रोक लिया चेकिंग के लिए, हो गया सीन। फाइनली निकलने के लिए रेडी है, बस अभिषेक रह गया है, जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहा है बेचारा, यहाँ पे तो सेटअप लगा के काम करता है। अच्छा सॉरी। तो एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 14 नवंबर 2021, हम है अभी पोखरा नेपाल में, यहाँ से आज निकल रहे हैं फाइनली काठमांडू के लिए। रात तक काठमांडू पहुंच जाएंगे, 200 किलोमीटर है लगभग और 7 से 8 घंटे लगेंगे, रास्ते की कंडीशन खराब ही होगी इसलिए गूगल मैप इतना दिखा रहा है, और कल हम काठमांडू एक्सप्लोर करेंगे, परसों वापस इंडिया के लिए कट लेंगे। बाकी इनके रूम से हमारी बाइक के दिखती है, और वो अपने सब्सक्राइबर जो कल वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा उन्होंने पूरा एक्सप्लोर करवाया था हमको, तो वो भी काठमांडू के आधे रास्ते तक हमारे साथ ही जाएंगे। बाकी लक्की भैया लोड कर रहे हैं बाइक पे सामान, और अभिषेक यहाँ पे सामान पैक कर रहा है, बाकी हमारा सामान पैक हो ही चुका, बस नीचे जाके लोड करना है अब तो। होटल का बिल क्लियर कर रहे थे, 2 रूम का 3 नाइट का आया 12,000, और रेस्टोरेंट का हमने खाना वाना खाया था 2900, टोटल बना 14,900, जिसमें से 6,000 में एडवांस दे चुका था, अब 8,900 रुपए देने। ये सारी नेपाली करेंसी बता रहा हूँ, तो 8,900 को हमने जब इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया तो ये बचा 5,562 रुपए, तो भैया को मैंने 5,500 रुपए इंडियन करेंसी में 500-500 के नोट दे दिए, मतलब चल जाती है इंडियन करेंसी भी यहाँ पे 1.6 का वही कन्वर्जन रेट चलता है, जो भी नेपाली है करेंसी उसको डिवाइड कर दो 1.6 से आपकी इंडियन करेंसी निकल जाएगी। यार ठंड काफी ज्यादा हो रही है तो नहाने का मन नहीं कर रहा, मैंने कहा चलो फेस वॉश कर ही लेते हैं, क्योंकि यार पोल्यूशन मिट्टी इतने ज्यादा लगती है ना बाइक राइड के वक्त, तो फेस वॉश करना जरूरी है। जिसके लिए यूज कर रहा हूँ भाई मैं वाउ स्किन साइंस का फेस वॉश, पूरा नाम बताऊं तो वाउ स्किन साइंस का विटामिन सी फेस वॉश, ये ना भाई वाउ स्किन साइंस का पहला पेपर ट्यूब फेस वॉश है, ये वाउ की एक छोटी सी शुरुआत है प्लास्टिक रिडक्शन एंड ग्रीनर फ्यूचर के लिए। इसकी पेपर ट्यूब पैकेजिंग की वजह से ना इसमें अप्रोक्स 45% कम प्लास्टिक यूज हुआ है, साथ ही साथ इसमें यूज किया गया है पेपर FSC यानी कि फॉरेस्ट स्टेवर्डशिप काउंसिल से अप्रूव्ड है, इसकी वजह से एनवायरमेंट में कार्बन फुटप्रिंट भी रिड्यूस होगा, एंड इसका लुक आप देख सकते हो काफी अर्थी है। ये फेस वॉश हेल्प करता है स्किन से डर्ट एंड पोल्यूटेंट्स क्लियर करने में, इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स एंड मेलानिन ब्लॉकर्स है जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल रखते हैं, एंड साथ ही साथ स्किन रेडियंस बूस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ये हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग को, एंड इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को भी। इस फेस वॉश के भाई मेन इंग्रेडिएंट्स है विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, एंड साथ ही साथ मलबरी एंड लिक्विरेज। ये फेस वॉश ना भाई स्किन को क्लीन, ब्राइट एंड रेडियंट ग्लो देने में हेल्प करता है। इस प्रोडक्ट का जो लिंक है ना मैंने वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से खरीद सकते हो। साथ ही साथ वाउ स्किन साइंस ने रिसेंटली लॉन्च किया है वाउ ग्रीन हैंड इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी की तरफ, इस इनिशिएटिव में आप ओप्ट कर सकते हैं इकोविया बैग डिलीवरी के साथ। सबसे अच्छी बात ये बैग आप ले सकते हो सिर्फ 50 रुपए एक्स्ट्रा देकर, जैसी आपका ऑर्डर रिसीव हो जाए आप पिकअप ऑप्ट कर सकते हो बैग का, और जैसी आपका बैग पिकअप हो जाएगा ना आपको 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा आपके वाव वॉलेट में, जो आप रिडीम कर सकते हो अपने नेक्स्ट परचेज में। ये बैग बना है रिसाइकल्ड प्लास्टिक बोतल फाइबर से, जो आपके ऑर्डर को सेफली एंड सिक्योर वे से आपको डिलीवर करता है। ये डिलीवरी ऑप्ट करके हम एडिशनली सेव कर सकते हैं प्लास्टिक एंड बबल रैप वेस्ट को, और सबसे अच्छी बात कोविड टाइम में इस बैग को सैनिटाइज किया जाता है हर डिलीवरी के बाद। इनका तो मैंने आपको बता दिया था डिस्क्रिप्शन में, साथ साथ स्क्रीन पे एक मेरा कूपन कोड आ रहा होगा अनमोल जैसवाल 20 के नाम से, ये अगर आप वाउ की ऐप एंड वेबसाइट पे यूज करोगे ना तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा, तो भाई चूज रिस्पॉन्सिबली, बी वाउ नेचुरली। हमारे नेपाल में ये वेलकम और जैसे हम फेयरवेल करते हैं तो ये यूज करते हैं, इसे खादा बोलते हैं, खादा ये बुद्धिस्ट यू नो बुद्धिस्ट कल्चर। अच्छा अच्छा, और ये हम जब कोई गेस्ट आता है जाता है हम उसे देते हैं। ये असम में भी करते हैं शायद, बुद्धिस्ट रिलीजन वो हिली एरिया में ऐसा एक कल्चर है, तो आप यहाँ आए हमें बहुत खुशी हुई, दोबारा भी जल्दी आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी ट्रेनिंग लेकर आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ रोड ही है यहाँ पे क्योंकि रोड तो है नहीं, रोड कम है ऑफ रोड ज्यादा है। ये लेनी थी वैसे मेरे को, पता है यहाँ पर हम बात करी, सही लग रही है, सही लग रही है, उधर देखो भाई साहब भीड़ लग गई,
भाई के देखे। चलो यार चलो लेट हो रहे हैं, ये सब तो लग रहा है यही का भाई। ओ, ये पागल हो गया। चलो चलो ताना कमेंट सेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, सही में यहाँ का लग रहा है भाई, ये तो नेपाल का ही। चलो जी बाइक की भी लोडिंग कर दी अच्छे से, फटाफट निकलते हैं, विदाउट ब्रेकफास्ट निकल रहे हैं हम, मतलब रस्ते में रुकेंगे क्योंकि 11 बज चुके हैं। मैं तो कह रहा था खा के चलो, बट ये है ना जी, इनमें से चलाई नहीं जाएगी, रस्ते में रुकेंगे हम, ये करेंगे वो करेंगे। चलो फिर ए फ्यू मिनट्स लेटर फाइनली भाई डिसाइड किया कि खाना खा के ही जाते हैं, क्योंकि खाली पेट कब तक चला लेंगे, ऊपर से ट्रैफिक मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो हमारे होटल के बाहर ये मारवाड़ी रेस्टोरेंट है, यहाँ पर पूछ लिया हमने, वगैरह परांठे वगैरह मिल जाएंगे, तो एक एक दो खा के कटते हैं। परांठे खा के मजा सा आ गया, पूरी इंडिया वाली फील आ गई। क्यों जी खींचते हैं यहाँ से, पहली स्टॉप हमने रखी है मुगलिन, यहाँ से 93 किलोमीटर है, 2 घंटे लगेंगे, वहीं पे सारे राइडर मिलने वाले हम, मतलब अगर आगे पीछे भी होते हैं तो कोई रुकेगा नहीं किसी के लिए, सीधा मुगलिन मिलने जाके वहाँ पे लंच करेंगे, फिर वहाँ से 110 किलोमीटर बचेगा अपना काठमांडू। चलो जी फटाफट निकलते हैं, मैप में भी देख लो 2.5 घंटे दिखा रहे, मतलब लगभग 3:45 या 2:30 बजे के आसपास हम पहुंच जाएंगे। अब नहीं रुकूंगा, बस टायर पैर खींचनी है। My bop and unlike me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Oh, bhai saab, dekhna kaise bawle driver hai. Le bhai le, tu le ja. Bilkul hi idiot hote bhai saab, samne se le aaye dekhna. इतनी क्या ओवरटेक करने की जरूरत पड़ रही है तुम्हें? सच में इतना ज्यादा गुस्सा चढ़ता ना भाई बस ड्राइवर और ट्रक वालों पे, जो ऐसे मतलब साथ में भी ट्रक ही जा रहा है उसको ओवरटेक कर रहे हैं भाई, जब तुमने कौन सा उससे डबल स्पीड में चला देनी है, वो ट्रक भी 40 में चल रहा है, तुमने भी उसके आगे निकल के 40 पे चलानी है, ये सोचते जी ओवरटेक करके हम 100 की स्पीड से भगा के पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन। भैया चलना जब तुमने 60 पे ही है तो उस ट्रक के पीछे रहो या लो भी तो किसी खाली जगह पे लो, आगे से दिख रहा है ट्रैफिक आ रहा है इतना ज्यादा, फिर भी घुसा नहीं है हमारी लाइन में, बिल्कुल ही बेवकूफ है सही में। और अभी हमने टोटल यहाँ वहाँ से 20 किलोमीटर कवर कर लिए है, अभी तक तो रोड साफ थी, बट अब मुझे लग रहा है वही खराब पैच शुरू होने वाले हैं, जिनमें हमारा दिमाग खराब होता है, गड्ढे ही गड्ढे उछलते उछलते जाते हैं, खड़े होके सेटलिंग करने में ही समझदारी है यहाँ तो, वरना इतने ज्यादा गड्ढे है बम दुख जाएगा। ओए होए होए, इस बाइक में मजा तो आता है भाई ऐसे, क्या बात है, तू भी घुसा दे आ जा। ओहो मिट्टी मिट्टी, पहले भी बोला मैंने आपको नेपाल में भाई बहुत तगड़ी मिट्टी है। शुक्र है भैया खत्म हुई ऑफ रोडिंग, क्या गड्ढा था भाई साहब है, ओहो नेक्स्ट लेवल वाले गड्ढे हैं यहाँ तो, मतलब रोड तो है ही नहीं गड्ढे ही है, ऐसा लग रहा है गड्ढों में रोड हो। राइट साइड में व्यू देखो क्या तगड़ा हुए हुए, ये तो है नेपाल में ग्रीनरी बहुत है, भले इतने पहाड़ है बट वो प्लेन वाले पहाड़ नहीं है, हर जगह मस्त पेड़ पौधे उगे हुए है, बस ये मिट्टी का कुछ जुगाड़ हो जाए ना फिर तो जिंदगी सवर जाए यहाँ पर। ऐसे एरिया में ना क्लच और ब्रेक दबा दबा के उंगलियों की बैंड बच जाती है ऐसे, ओहो गड्ढे। मेरी वाली बाइक की तो चलो फिर भी कंफर्टेबल पोजीशन है बैठने की, तो थोड़ा सही रहता है, हायाबूसा जैसी बाइक पे यहाँ पर तो कंधे हाथ पैर सब टूट जाएंगे क्लच दबा दबा के। दो कैसा बावड़ा बस ड्राइवर है, तो पता है उधर जगह नहीं है फिर भी बस के साइड में उसमें ट्रक के साइड में से निकाल रहा है, वो भी टूटे हुए रोडों पे, अंदर लोग जो बैठे होंगे तो पूरे झूलों की सैर ले रहे होंगे इधर उधर इधर उधर, इतनी मिट्टी उड़ा रहा है पीछे से, इतना धुआं उड़ा रहा है काला काला, छी यार दिमाग की दही हो गई। मुझे लग रहा है आज का ये व्लॉग ना रोस्टिंग वीडियो बनने वाली है नेपाल के बस और ट्रक ड्राइवर के बारे में। No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. ये देखो जो मैं मिट्टी की प्रॉब्लम आपको बता रहा था ना, अभी एक ट्रक जा रहा था उसमें पानी डला हुआ था पीछे, तो वो पूरी रोड पे पानी घेरते हुए जा रहे ताकि जो लूज मिट्टी है ना वो उड़े ना और नीचे चिपक के रह जाए, देख लो इतनी ज़्यादा मिट्टी की प्रॉब्लम है, क्योंकि पहाड़ ना चूरे हो के सारी मिट्टी फैलती है, अब ये पानी से सही कर रहे हो उस चीज़ को। और अगर आप किसी बस या ट्रक के पीछे जा रहे हो ना तो आपकी बैंड बच जाएगी, इतनी ज़्यादा धूल उड़ाते हैं ये देखो। चल भाई चल इसको ओवरटेक करना है, मैं तो मिट्टी में सन जाऊँगा पूरा। हाय हाय क्या खूबसूरत लग रहा है देखना, ओहो हो तगड़े तगड़े नज़ारे देखने को मिल रहे हैं ऐसे इस वाले रास्ते में। रुको यार पहले इसको ओवरटेक करूँ, भाई ये भी किसी को ओवरटेक कर रही है बस, हैवी ड्राइवर, उड़ा उड़ा मिट्टी उड़ा।
big flex my swole double cup. तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन में पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया 5 मिनट का रास्ता, बट मैंने आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए कैमरा ऑन करा है। मतलब क्या खूबसूरत है यार, मज़ा सा आ गया ऐसी राइड पे। जो पोखरा से काठमांडू की शुरू के 20-30 किलोमीटर थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब रोड थी, बट उसके बाद ऐसा ही कुछ हाईवे चल रहा है, मतलब 70-80 की स्पीड मेंटेन हो पा रही है आराम से, इसलिए हमने जल्दी कवर कर लिया रास्ता। मैं ही सबसे आगे हूँ, वो सब पीछे है, तो कोई अच्छा सा ढाबा वाबा या रेस्टोरेंट ढूंढेंगे। मतलब जहाँ पर हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो एक सिटी है, अभी नाम मैं भूल गया, मैंने मैप में डाल रखी है, तो बस पहुँचने वाले हैं फिर दिखाता हूँ। बट आप जब तक ये हाय हाय हाँ नज़ारे इंजॉय करो, इंजॉय, क्या बात है, खतरनाक। ये शुरू हो गई है भाई सिटी, यहाँ से बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही इधर भी राइट साइड में ढाबे वगैरह है 2-4, और हम ये ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे। बट अभी नीचे देखो कितना साफ पानी है यार, है ना, ऐसा लगता है कि नेपाल में पानी गंदा ही नहीं है। बट ये भी है यार, हमारे भी इंडिया में हिमाचल उत्तराखंड के जो पानी है वहाँ पर अच्छा अच्छा साफ साफ ही दिखता है। ये आ गई है भाई सिटी, देखता हूँ कोई सा ढाबा कहाँ है, यहाँ लगा दे क्या होटल एंड लज, यहाँ राइट में भी है उधर भी है, तो उनको देखते हैं, वो जोन सा भी कहेंगे उसमें ही चले जाएंगे। क्या चीज है भैया, चने एक प्लेट बना देना, कितने की है, 50 का बना दो, एक हरी मिर्च मत डालना। तो यार अभी हम मुगलिंग पहुंच चुके हैं, पोखरा से लगभग 90-95 किलोमीटर, और मिट्टी में पूरा सने पड़े हैं, वो पता नहीं कितनी पीछे है, सारे के सारे फोन कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रहे। हम पहले पहुंच गए, इतना मैंने कहा चलो ये भुजिया खा लेते हैं, अपने वहाँ जैसे मिलती है ना वो भेलपुरी कहते हैं जिसे, उसी तरह से ये है यहाँ पे 50 नेपाली रुपए में। जब तक वो आएंगे इससे थोड़ा पेट भर लेते हैं, फिर कुछ ऑर्डर कर देंगे खाने का। लो भाई अभिषेक भी आ गए, ये हमसे बस 5-10 मिनट पीछे ही था, और अभी एक भैया आए हैं इंडिया से और ट्रेवल कर रहे हैं भाई साहब साइकिल पे, सोचो 1200 किलोमीटर कर चुके हैं इस ट्रिप पे, ये भी आज काठमांडू जा रहे हैं। सोचो हम सोच रहे थे कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं बाइकों पे, और ये कह रहे हैं कि हम पहुंच जाएंगे काठमांडू, तो सही है भाई। इनका भी सुबह 5 बजे पोखरा से ही, और हम निकले थे 12:30 बजे। अच्छा जी, उसके बावजूद सोचा था कि 100 किलोमीटर रुक जाएंगे, नहीं तो। सही बात है यार, वैसे पहाड़ों पे साइकिल चलाने की हिम्मत है। इनका बाकी चैनल है यूट्यूब, क्या नाम है, ट्रेवल ट्रैकर, और इंस्टा पे भी है, तो एक बार चेकआउट कर लेना जाके, वीडियोस कैसी है, मतलब साइकिल पे केशव क्या कहते हो कर लोगे। ये पीछे बैठ के थक जाता है, पीछे बैठे बैठे कहते हैं सर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, और क्या नाम है भैया आपका, प्रदीप, कहाँ से हो आप इंडिया में, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी, और अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हो आप, अभी तक तो मैं उत्तराखंड मध्य प्रदेश में काफी जगह। अच्छा, और साइकिल से ही शुरू से ही, यार हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी भैया, बता रहे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं ना, एक छाती पेट के यहाँ पे हुआ है, और हर्ट के भी पेशेंट है भैया, जब भी सोचो साइकिलिंग, बाकी भूख तो ज्यादा लग नहीं रही थी, इसने यहाँ पे मोमोज ले लिए और केशव ने सूप लिया। ठीक है जी, ओके चलो फिर हैं। बाकी यहाँ पे हमने खाना खाया था, कितना बिल आया अपना, 600 रुपये ना, 600 रुपये नेपाली बिल आया था, मोमोज लिए थे, ऑमलेट लिए थे 2, और यहाँ से टोटल काठमांडू 111 किलोमीटर 3 घंटे 36 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, इसके अकॉर्डिंग 7:30 पहुँचेंगे हम, बाकी देखते हैं हम कितने जल्दी कवर कर लेंगे, रास्ते कैसे होंगे। 600 रुपये में हमने भाई 2 ऑमलेट लिए थे, 1 प्लेट मोमोज ली थी, 1 सूप लिया था, और क्या लिया था, 2-3 पानी की बोतलें पी ली थी बस, तो इंडिया के वही लगा लो 400 रुपये के आसपास बिल आया। Shears, he not the man he appears. Heart of a lion, I'm trampling fears. I love the man in the mirror. Cry me a river to stand in the tears. You better stand in the clear. I'm going crazy, niggas fugazi. How are they ever gonna fuck with a kid? Put it on baby, it do not faze me. Boy, I do not give a fuck what you did. तो भाई चलते चलते अपने सब्सक्राइबर मिल गए, मतलब नेपाल में भी, क्या नाम है आपका, जीवस भाई, कह रहे हर एक चैनल को फॉलो करता हूँ, काफी टाइम से देख भी रहा हूँ ना आपको, तो इजी पे ना, हाँ हाँ आप वो काठमांडू से, वैसे तो ये बता रहे यहाँ से ना 30-40 किलोमीटर तो रास्ता बिल्कुल साफ है ऐसी, उसके बाद एकदम से चढ़ाई शुरू होगी और टर्नओवर होगा, थोड़ी बहुत टूटी फूटी होगी, थोड़ी बहुत ही ना, चल जाएगी ना, वैसे चल जाएगी, उधर एक अंडरग्राउंड है नेपाल में, अच्छा अंडरग्राउंड चल रहा है, हाँ 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 टनल, वो खुली नहीं है अभी, नहीं नहीं खुली, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है जी, ओके भाई, कह रहे कि YouTube पे आऊंगा, मैंने कहा ले लेते हैं यार व्लॉग में, बिल्कुल परसों आओगे, परसों
day that they like me. They be all in my wood tip, not a stain on my white tee. I'm popping all of this good shit. Big flex, my यार नेपाल के 5:30 हो चुके हैं और अंधेरा देख सकते हो आप, हो ही गया है। हल्की हल्की रोशनी है बट ये भी 5-10 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद चली जाएगी। बस सामने से गाड़ियों ने हाई बीम मारना शुरू कर दिया है और हम अंधे हो रहे हैं हाई बीम के चक्कर में, कुछ दिख नहीं रहा। अभी मैंने मतलब अपनी क्लियर वाटर ऑन कर ली ना, इनकी आंखें चुंदी आ जाएगी, बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार क्यों वो करना, देखना कुछ नहीं दिख रहा मुझे लिटरली आगे का, इतनी हाई बीम मार रखे ट्रकों ने। और रास्ता भाई अभी भी 56 किलोमीटर बचा है, मैप में 2 घंटे दिखा रहा है, या तो रोड खराब है या फिर ट्रैफिक लगा हुआ तगड़ा, वरना 56 किलोमीटर के लिए 2 घंटे कौन दिखाता है भाई। नहीं मान रहे भाई, लाइन से लगी हुई है ट्रक तो हाई बीम मार के आंखें चुंदी आ गई मेरी। और दूसरा डर यहाँ पर ये है कि यार अपना पैनियर्स निकले हुए ना बाइक के साइड से, अब वो रात को गलती से किसी को दिखे नहीं हो, टपली बजा के चला गया पैनियर में, तो दिक्कत हो जाएगी। पर कोई नहीं, करना आज ही है, काठमांडू पहुंचना है किसी भी हालत में, भले ही 10-20 की स्पीड में चलाना हो लेकिन पहुंचेंगे आज ही किसी तरह। यार सच्ची बताऊँ ना, बिना क्लियर वाटर के ना मेरे लिए ये वाला रास्ता इम्पॉसिबल है, मतलब मैं कर ही नहीं सकता यार किसी भी हालत में, इतना घूप अंधेरा हो जाता है और फिर बीच बीच में जहाँ रोशनी भी होती है तो सामने से हाई बीम पड़ती है तगड़ी वाली, तो मैं चुंदी आ चुका हूँ इस वक्त, इसलिए मैंने अब क्लियर वाटर ऑन कर ली। जैसे ही सामने से कोई ट्रक व्रक आता है तब बंद कर देता हूँ, वरना तो भैया इतने अंधेरे में मेरे से नहीं चलेगी, इतने गड्ढे हैं, रोड टूटी पड़ी है, तो बिना लाइट के कैसे काम चलेगा, रिम विम बैंड हो गई और सीन हो जाएंगे। मतलब बीच बीच में तो इतनी गंदी रोड आती है ना, पूरी रोड में गड्ढे ही गड्ढे, मतलब राइट से मैं निकाल नहीं सकता, ट्रैफिक आ रहा होता है सामने से और एकदम से लेफ्ट में ले जाऊंगा तो सीधा नीचे ही गिरूंगा अड़के, इतनी ज्यादा गड्ढे होते और गहरे गहरे खूब। बाकी यार देखो ठंड तो बहुत हो रही है, हाथ जम रहे हैं, बाकी शरीर में तो अच्छे से इनर पहन रखे है ना, ग्लव्स कुछ काम नहीं कर रहे, तो अब मैं फटाफट से ऑन कर लेता हूँ अपनी BMW की हीटेड ग्रिप। चलो भाई ऑन कर दी है, गर्माहट मिलने लगी। ये फीचर ना मुझे सर्दियों में और पहाड़ों में बेस्ट लगता है अपनी बाइक का। अभी तो मैंने 1 नंबर पे चला रखा है हीटर, 2 नंबर पे कर दूंगा तो बहुत तगड़े वाला गर्म हो जाता है, मजेदार। और ये तगड़े वाला ट्रैफिक लग चुका है भाई यहाँ पर, कैसे कैसे लगा लेंगे हम। और ये पता है पूरा ट्रैफिक एक ट्रक की वजह से लगा होगा पक्का, ऐसी पूरे रास्ते से हम देखते आ रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल ट्रक की वजह से पूरा ट्रैफिक लग जाता है। असल में होता क्या है ना, एक साइड की रोड खुद ही पड़ी होती है, मतलब या तो टूटी पड़ी होती है, अब वहां से ट्रक निकल नहीं पाता तो वो ट्रक वाला ना रुक जाता है जब तक सामने वाला ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा ना, फिर वो जाने के बाद उन सबको अपने दूसरी लेन में लेता है और फिर ट्रक निकालता है। तो ये रोड की कंडीशन भी कह लो आप, ट्रक वालों की भी कह लो, दोनों का मिला जुला है ये ट्रैफिक। तो अभिषेक यहाँ पर रुका है, हमने कहा चलो रुक जाते हैं हम भी भाई, यहाँ ही लगा दो यार, यहाँ से ट्रक निकल रहे हैं तो ये वाली जमीन भाई पूरी ऐसे शेक कर रही है, और हल्की फुल्की भी नहीं, कोई हद से ज्यादा ही कर रही है। एक ये ढाबा मिला यहाँ पे, ये चाय पी रहे हैं, कॉफी है मेरी, कॉफी नहीं है, पकोड़े, पकोड़े मिल गए, चलो वाई वाई नहीं खानी, पकोड़े ले लो मेरे। हार्डली 20-25 किलोमीटर है, आधा पौना घंटा या मैक्स टू मैक्स 40-45 मिनट लगेगा, खा लेते हैं जल्दी से और फिर चलेंगे। चलो भैया निकलते हैं, पी लिए चाय वाय, थोड़ा सा खा भी लिया है, पकोड़े लिए इतने गंदे से दे तेल ही तेल, कोई नहीं बटा भाई साहब 20 किलोमीटर है बड़े कैसे है, जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग जिग जग, फिर यहाँ से सही है सीधा सीधा, इसलिए ये मेरे को लग रहा है 20 किलोमीटर के लिए 1 घंटा दिखा रहा है साहब। मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था बट बहुत ज़्यादा खतरनाक रास्ता है, मतलब दोनों तरफ बसेज और ट्रक और आगे रोड ही नहीं, मतलब रोड ऐसी कि टूटी फूटी पूरी की पूरी ख़त्म यार, हद हो गई, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाऊं, आगे ना मिले वैसा पैच, आज तक मेरी लाइफ का सबसे मुश्किल वो है ये, इससे ज़्यादा मुश्किल मैंने आज तक किसी रास्ते में नहीं चलाया, फटके 4 हुई पड़ी थी भाई साहब। अब तो लग रहा है यार प्लेन रास्ते है, भगवान जी प्लीज़ प्लेन ही हो वरना हालत ख़राब हो जाएगी। मतलब 2-3 बार तो मुझे पूरा भरोसा हो गया था कि मैं गिर गया, हल्लो भाई गिर गया ऐसे लग रहा था मेरे को, बट किसी ना किसी तरह मैंने पूरी ताकत इकट्ठी करी हाथ पैर में और बाइक को संभाला, इतनी भारी बाइक है ना, ऊबड़ खाबड़ रास्तों में अगर आप स्लो हो गए ना तो फिर संभलना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से पैर भी नहीं पहुंचते आपको, तो मैं बता ही चुका हूँ कितनी बार, बट यार अब थोड़ी राहत मिली है ऐसी रोड देख के। जो वो सब्सक्राइबर थे ना बोल रहे थे कि ये वाला रास्ता ख़राब मिलेगा, भाई साहब अब समझ आया कहाँ का बोल रहे थे वो, इतना ज़्यादा घटिया, ऊपर से चढ़ाई खड़ी, साथ ही साथ टूटी रोड, ट्रक बस सब कुछ एक साथ आ गया। और वैसे मेरे को पता चल गया अब यहाँ के लोग ज़्यादातर डर्ट बाइक क्यों लेते, क्योंकि यहाँ पे रोड ही नहीं अच्छी भाई, मतलब पोखरा और काठमांडू तो मेन सिटीज़ है नेपाल की, वहीं पर जाने आने के रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है, तो मतलब समझ लो जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है जहाँ पर टूरिस्ट जाते ही नहीं है, वहाँ तो क्या हालत हो रखी होगी रोड की। यहाँ से रास्ता साफ है आगे का,
कहाँ जाना है? काठमांडू का। काठमांडू कहाँ जगह है? मतलब टूटा उटा तो नहीं है? नहीं, रास्ता तो साफ है, लेकिन कहाँ जाना है आपको? काठमांडू में ही जाना है, होटल लेंगे कोई। अच्छा, यहाँ से शुरू हो गया था काठमांडू? अच्छा, शुरू हो गया काठमांडू, बस ये होटल ही लेना है कोई। लो जी, रोक लिया चेकिंग के लिए, हो गया सीन नॉर्मल, बस चेकिंग चल रही है। ऑब्वियसली चेक करेंगे डब्बों में क्या। ये इमरजेंसी लाइट बंद करो ना। अच्छा, बंद कर दूं? कितने मूल्य है? हाँ जी, कितने मूल्य है? प्राइस, प्राइस बाइक को 30 लाख इंडिया। 30 लाख इंडिया? हाँ जी। अभी तो पोखरा से आ रहे हैं, 4 दिन से पोखरा। हाँ, कल परसों निकल जाएंगे। हाँ, कल कल रुकेंगे, परसों चले जाएंगे। हाँ जी। फिर ये काठमांडू शुरू हो चुका है, बट हमें मेन सिटी सेंटर में जाना है। तो यह चलो भाई, ये जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था ना, अभी खत्म हो चुका है। अब यहाँ से स्ट्रेट रोड है, और सबसे अच्छी बात की बने हुए है। बैठो, जाए। ओके, 30 लाख इंडियन। हाँ जी, 30 लाख इंडियन। नेपाली 1 करोड़। 1 करोड़? हाँ जी। ओके जी, चलो। नॉर्मल चेकिंग थी बस, पैनियर्स का पूछ रहे थे क्या रखा हुआ है, तो खोल के दिखा दिया, कपड़े वपड़े थे बस। अभिषेक को पता नहीं रोका था कि नहीं रोका था, वो आगे ही चल रहा था ना। अच्छा, वो मैंने यार क्लियर वाटर बंद कर दी, वरना पक्का चलान हो जाता लाइट के ऊपर। सही टाइम पे करिए मैंने, देख रहे हो? ओ डोगी महाराज, कितने चल रहे हो गोभी का फुल बन के? अब तो 4 लेन आ गया भाई, ये प्रॉपर हाईवे सही बना हुआ है। वो जो बीच में पैच था बहुत खतरनाक, 4-5 किलोमीटर का, उसमें बैंड बजी है। रास्ते तो अब साफ साफ लग रहे हैं। काठमांडू यार काफी बड़ा है, मतलब पोखरा तो था ही बहुत बड़ा, बट काठमांडू नेपाल की कैपिटल सिटी है, तो इसलिए ऑब्वियस ही बात है। लगभग हम काठमांडू में जब घुसे थे ना, उसके बाद भी 11-12 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी भी मेन सिटी स्क्वायर नहीं आया। 6-7 किलोमीटर और दिखा रहा है, और इस 7 किलोमीटर को कवर करने के लिए 22 मिनट, मतलब तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है ना। और वो जो अपने सब्सक्राइबर आए थे ना पोखरा में ही, दोनों जिन्होंने हमें कल घुमाया था, उन्होंने ही मुझे बताया था ये वाला, कि नाम कुछ बोला था, वो मैंने मैप में डाल रखा है, अभी पहुँच के बताता हूँ। कह रहे थे वहीं पर ही रुकना, वहीं पर ज़्यादातर टूरिस्ट रुकते हैं, और वही सिटी सेंटर है मतलब काठमांडू का, और वहाँ पर होटल वोटल भी आपको अच्छे से मिल जाएंगे, खाने पीने की जगह भी मिल जाएगी, और जितने भी घूमने फिरने की जगह है वो आस पास है वहाँ से। मैंने ठीक है फिर वहीं लेंगे, इसलिए मैंने सीधा वहीं की लोकेशन डाल ली। अब नाम थोड़ा अजीब सा था, मैं भूल गया, उतरेंगे तो बताएंगे आपको। अभी ट्रैफिक लगा हुआ है, ये देखो ये है जगह का नाम थामेल। चलो भाई चले, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है काठमांडू। 7:30 हो रहे हैं शाम के, फिर भी देख लो कितनी चहल पहल है। ये हम मेन एरिया में आ गए हैं, अभिषेक हमसे पहले पहुंच चुका है, बट वो दिख नहीं रहा मुझे कहाँ पर है, उसे ढूंढना पड़ेगा अब जल्दी से, और फिर होटल लेंगे कोई ना कोई, चेक इन करेंगे। चेक इन, चेक इन, चेक इन। ये आ गई है भाई अपनी गर्मा गर्म चिकन दम बिरयानी। होटल ले लिया, चेक इन कर लिया, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कट चुका है। वो क्या कटा है कल के ब्लॉग में आपको बताएंगे। फटाफट से खत्म करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फुटेज ट्रांसफर करनी है, खाते हैं, और उसके बाद देखूंगा बाहर जाऊंगा या सो जाऊंगा। बाकी इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक एमआर कर दिया करो, 30-40 हजार लाइक का। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। चलो जी, टाटा बाय बाय। Growing from a cider, uh-huh. Bathrobe in his Prada, Fiji water by the cold glass, Granddaddy by the Ziploc, Flex season I'm rolling.